जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ टू आइडियल्स. थ्योरम्स देखो क्या है इसमें. लेट एस वन एंड एस टू बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर, देन एस वन प्लस एस टू. अब जो एस वन और एस टू आइडियल्स हैं, तो अगर हम सम ले लें इनका एस वन प्लस एस टू, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ए वन प्लस ए टू, वेयर ए वन बिलोंग्स टू एस वन एंड ए टू बिलोंग्स टू एस टू. देन एस वन प्लस एस टू इज कॉल्ड सम ऑफ आइडियल्स एस वन एंड एस टू एंड इज एन आइडियल ऑफ आर. यानी का मतलब अगर दो आइडियल्स का सम लें तो वो भी क्या बनता है? एक आइडियल बनेगा. ये हमें इसमें दिखाना है. देखो अब हमें क्या दिखाना है कि S1 plus S2 जो है आइडियल्स है. अब आइडियल सॉरी S1 plus S2 जो है वो आइडियल है. अगर उसको आइडियल प्रूव करना है तो आपको वही आइडियल की कंडीशन हमें प्रूव करके दिखानी है कि इसका मतलब वो राइट आइडियल भी है, लेफ्ट आइडियल भी है, तभी वो बोथ साइडेड आइडियल है या उसको हम सिंपली आइडियल बोल सकते हैं. तो उसके लिए हमें S1 plus S2 का नॉन जीरो एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा. तो अब एलिमेंट कंसिडर करने के लिए सबसे पहले हमें यही दिखाना पड़ेगा ना कि वो हमारा नॉन एम्प्टी है, तभी हम उसमें नॉन जीरो एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं. लिखा सीन्स एस वन प्लस एस टू इज नॉन एम्प्टी बिकॉज जीरो बिलोंग्स टू एस वन प्लस एस टू. क्योंकि एस वन भी आइडियल है और एस टू भी आइडियल है, तो जीरो तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एस वन में भी जा रहा है और एस टू में भी है. तो जीरो एलिमेंट तो एस वन प्लस एस टू दोनों में ही है. ऑल्सो एज एस वन एंड एस टू आर आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर, देयर फोर. अब एस वन और एस टू आइडियल है रिंग आर के, तो इसका मतलब एस वन और एस टू जो आइडियल है वो सब रिंग भी तो होती है. यही तो हमने कहा था कि एवरी आइडियल इज सबरिंग, बट सबरिंग नीड नॉट बी एन आइडियल. तो एस वन और एस टू जो है सबरिंग है, तो वो सब ग्रुप्स भी हैं आर के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. मीन्स एडिशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप्स बन रहे हैं इट्सेल्फ. तो फर्स्ट तो ये, और सेकेंड इफ आर बिलोंग्स टू आर एंड ए वन बिलोंग्स टू एस वन, देन आर इंटू ए वन बिलोंग एंड ए वन इंटू आर बोथ आर बिलोंग्स टू एस वन, क्योंकि एस वन क्या है हमारा आइडियल है. सिमिलरली एस टू भी हमारा आइडियल है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में एक तो आपका ग्रुप ही बन रहा है एस टू, और दूसरा अगर आर आपका आर का एलिमेंट है और अगर ए टू आपका एस टू का एलिमेंट है, तो आर इंटू ए टू बी एंड ए टू इंटू आर बोथ बिलोंग्स टू एस टू. ठीक है. थर्ड, एस वन प्लस एस टू इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर. एस वन और एस टू का अगर हम सम लें तो वो भी क्या है हमारा एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर है. ये आप करके दिखा सकते हो. अब S1 plus S2, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि S1 plus S2 जो है वो आइडियल है. आइडियल दिखाने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि अगर हम S1 plus S2 के दो एलिमेंट्स कंसिडर करें तो उनका डिफरेंस जो है वो भी किसका होना चाहिए? S1 plus S2 का होना चाहिए. अगर हम ये बोल लें या हम ये कह दें कि हमें ये दिखाना है कि S1 plus S2 जो है वो एडिटिव सब ग्रुप है, वो एक ही बात है. सब ग्रुप की भी तो ये कंडीशन थी ना, यही तो दिखाते थे कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर आपको सब ग्रुप प्रूव करना हो कि सब ग्रुप है जी का, तो आप कोई भी दो एलिमेंट्स एच के कंसिडर करते थे और आप क्या दिखाते थे उनका डिफरेंस जो है वो भी आपका एच का एलिमेंट आ रहा है. तो अब हमने कोई दो एलिमेंट कंसिडर करने हैं एस वन प्लस एस टू के. फर्स्ट एलिमेंट ले लिया ए वन प्लस ए टू और सेकेंड एलिमेंट ले लिया हमने बी वन प्लस बी टू. मीन्स अब हमें क्या दिखाना है, इनका जो डिफरेंस है वो भी हमारा एस वन प्लस एस टू का एलिमेंट होना चाहिए. अब ए वन प्लस ए टू हमारा एस वन प्लस एस टू का है, इसका मतलब ए वन एस वन का एलिमेंट है और ए टू हमारा एस टू का एलिमेंट है. सिमिलरली बी वन प्लस बी टू बिलोंग्स टू एस वन प्लस एस टू, सो बी वन बिलोंग्स टू एस वन एंड बी टू बिलोंग्स टू एस टू. एस वन के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लो और एस टू के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लो, तो ए वन प्लस बी वन हमारा एस वन के एलिमेंट्स हो गए और ए टू प्लस बी टू हमारे एस टू के हो गए. ऐसे ही ए वन माइनस बी वन एस वन का हो गया और ए टू माइनस बी टू हमारा एस टू का हो गया. क्यों? क्योंकि एस वन और एस टू जो है वो ग्रुप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. दूसरा ए वन इंटू बी वन जो है वो एस वन का एंड ए टू इंटू बी टू जो है वो हमारा किसका हो गया? एस टू का एलिमेंट हो गया. क्योंकि ए वन एस वन का, बी वन एस वन का, तो ए वन इंटू बी वन जो है उसकी तो खैर अभी हमें जरूरत नहीं पड़ रही है. हम तो सिर्फ यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही प्रूव करना है, तो हम सिर्फ यहाँ किसकी बात करेंगे कि a1 माइनस b1 भी s1 का और a2 माइनस b2 हमारा s2 का. तो अगर हम इनका सम ले लें तो वो किसका एलिमेंट बन जाएगा? s1 प्लस s2 का. तो इनका सम जो है वो एलिमेंट s1 प्लस s2 का. तो अब हम कंबाइन कर लें कैसे, कि पहले s1 का एलिमेंट माइनस फिर s2 का, मीन्स a1 प्लस a2 माइनस b1 प्लस b2. ऐसे हमने इसको कंबाइन किया तो ये एलिमेंट किसका हो गया? s1 प्लस s2. तो हमने जैसे इसको रीअरेंज ही किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? S1 plus S2 जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया. ठीक है. अब हमें नेक्स्ट में अब हमें और दिखाना क्या है आइडियल दिखाने के लिए कि S1 plus S2 आइडियल है. एक एलिमेंट हमें R का लेना है और एक एलिमेंट हमें S1 plus S2 का. R का एलिमेंट से हमने R लिया तो हमें क्या दिखाना है? R into A1 plus A2 भी हमारा S1 plus S2 का एलिमेंट होना चाहिए और A1 plus A2 into R भी हमारा S1 plus S2 का एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है. देखो R हमने R का ले लिया, A1 plus A2 हमारा S1 plus S2 का.
हमें अब दिखाना क्या है, आर इंटू ए वन प्लस ए टू, एंड ए वन प्लस ए टू इंटू आर किसका होना चाहिए, एस वन प्लस एस टू का एलिमेंट होना चाहिए. तो हमने ये आर आर का लिया, ए वन प्लस ए टू एस वन प्लस एस टू का लिया. नाउ दिस इम्प्लाइज आर तो आर का है, ए वन प्लस ए टू अगर एस वन प्लस एस टू का है उसका मतलब ए वन एस वन का है और ए टू हमारा एस टू का है. तो अब हम अलग अलग बात करते हैं, एक बार एस वन के लिए बात करते हैं, एक बार हम एस टू के लिए बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है एस वन भी एक आइडियल है और हमें ये पता है एस टू भी हमारा एक आइडियल है. अगर एस वन आइडियल है और आर आर का है और ए वन एस वन का है, तो आर इंटू ए वन भी एस वन का हुआ और ए वन इंटू आर भी एस का हुआ, क्योंकि एस वन हमारा आइडियल होने का मतलब बोथ साइडेड आइडियल है. सिमिलरली वी कैन से आर इंटू ए टू एंड ए टू इंटू आर बिलोंग्स टू एस टू. तो अब हमें लाइक वाली जो टर्म्स है वो कंबाइन करनी है, आर ए वन एस वन का, आर ए टू एस टू का, तो उनका सम जो है वो एस वन प्लस एस टू का. सिमिलरली ए वन आर एस वन का, ए टू आर एस टू का, तो ए वन आर प्लस ए टू आर किसका हो गया, एस वन प्लस एस टू का. आर कॉमन ले लिया हमने दोनों में, तो ये एलिमेंट हमारा किसका आ गया, एस वन प्लस एस टू का. इसका मतलब एस वन प्लस एस टू क्या हो गया, हमारा आइडियल ऑफ आर. इसकी क्रोलरी देखो कि S1 is an ideal of S1 plus S2. अब हमें second क्रोलरी में क्या दिखाना है कि S1 जो है वो S1 plus S2 का आइडियल है. देखो for A1 and B1 belongs to S1, A1 minus B1 belongs to S1. ये तो है क्योंकि S1 जो है आपका आइडियल, जो S1 है वो आपका क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप तो है ही, है ना. अब हमें क्या दिखाना है कि S1 जो है वो S1 plus S2 का आइडियल है. तो उसके लिए अब हमें एक एलिमेंट S1 का चाहिए और एक एलिमेंट S1 plus S2 का चाहिए और उनका प्रोडक्ट हमें दिखाना है वो S1 का आना चाहिए. तो इफ A belongs to S1 and S belongs to S1 plus S2, then we have to prove A into S and S into A both belongs to S1. ये हमें दिखाना है. अब अगर S आपका S1 plus S2 का है तो S किस फॉर्म का होगा, A1 plus A2 फॉर्म का, where A1 belongs to S1 and A2 belongs to S2. Then A into S, A, S की वैल्यू रख दी A1 plus A2, तो क्या आया A A1 plus A A2, ठीक है. Since A and A1 belongs to S1, so A A1 belongs to S1 and A belongs to S1 and A belong A2 belongs to S2. और S2 किसका सबसेट है, R का सबसेट है. तो A A2 भी किसका हो गया, ये आपका A into A2 किसका हो गया, एलिमेंट आपका S1 का हो गया, क्योंकि S1 जो है वो R का आइडियल है. तो अब A A1 भी S1 का, A A2 भी S2 का, तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी आपका किसका हुआ, S1 का, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में तो वो सब ग्रुप चल ही रहा है आपका. तो इसका मतलब A into S किसका हो गया, S1 का. सिमिलरली वी कैन प्रूव S into A belongs to S1, तो S1 क्या हो गया आपका, आइडियल ऑफ S1 plus S2. S1 is an ideal of S1 plus S2. Next definition है ideal generated by a set. Let R be a ring and S be any subset of R, then an ideal A of R is said to be generated by S if. अगर हम कोई भी ideal A ले रहे हैं R का, तो हम क्या कहेंगे, वो S से generate हो रहा है और S क्या है, कोई भी subset है R का, if अगर S A में contained हो, ठीक है. और second condition, S is contained in I where I is an ideal of R, then A is contained in I. क्या कह रहा है वो, आइडियल जनरेटेड बाय सेट की डेफिनेशन में, कि अगर R रिंग है और S कोई भी सबसेट है R का, तो कोई अगर हम A आइडियल है R का, तो उस A को हम कहेंगे वो S से जनरेट हो रहा है. कब हो रहा है वो S से जनरेट, पहली बात तो अगर S जो है वो A में कंटेंड हो, दूसरा कि अगर S I में कंटेंड है और I भी क्या है, कोई भी एक आइडियल है R का, तो A जो है वो भी किस में कंटेंड होगा, I में कंटेंड होगा. तो इसका मतलब ये डेफिनेशन किसकी है, कि एन आइडियल A ऑफ R जनरेटेड बाय अ सेट, मींस जो आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट होता है, जो आइडियल है जो किसी सेट से जनरेट होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट आइडियल, वो सबसे छोटा आइडियल है ना. क्योंकि अगर और कोई आइडियल भी है I जो S को कंटेन कर रहा है, तो S जो A जो है वो S और I के मतलब बीच में आ जाएगा, कहने का मतलब S इज कंटेन्ड इन A, A इज फर्दर कंटेन्ड इन I. जो आइडियल जो किसी सेट से जनरेट होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ आर, भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.